यूक्रेन में ड्रोन हमले पर ईरान जांच के लिए तैयार हो गया है। ईरानी विदेश मंत्री ने खबरों को नकारा है और कहा है कि ईरानी मिलिट्री एक्सपर्ट यूक्रेन भेजने के लिए तैयार है। ईरानी ड्रोन से यूक्रेन पर रूस हमले कर रहा है। रूस को ड्रोन देने की खबरों को नकार चुका है ईरान। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से, नेटो की तरफ से, जो ऑलरेडी लाइन ऑफ फायर में है, शायद उन पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। कुमरो सिंह, ईरान एक तरफ है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, चीन है, ये एक पूरा वर्ल्ड एक तरह से ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। जो फेंस सिटर्स थे, ईरान और रशिया की दोस्ती कोई बहुत ज्यादा घनिष्ठ नहीं थी पहले, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उस तरह से आप देखते हुए बढ़ रहे हैं। तो क्या ये वर्ल्ड पूरी तरह से अब और ज्यादा पोलराइज होते जा रहा है? कुछ समय पहले तक तो हम ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते थे, लेकिन अब तो विश्व पूरी तरह से दो टुकड़ों में, दो गुटों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस पूरे विश्व को दो टुकड़ों में बांटने का जिम्मेवार जो देश है वो सिर्फ अमेरिका है। देखिए, अमेरिका के तीन बड़े दुश्मन जो हैं उसमें मान के चल रहा है, उसमें रशिया, चाइना और ईरान। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसने इन्हीं तीनों के अगेंस्ट फ्रंट खोल दिए हैं, डायरेक्टली ना कर इनडायरेक्टली। रशिया के लिए यूक्रेन तैयार कर दिया, जिसमें यूक्रेन को टैसिड सपोर्ट दी जा रही है वेपन के थ्रू, ताकि वो रशिया को डिमोटराइज कर सकें। उसके बाद चाइना के अगेंस्ट ताइवान है। चाइना में भी देखिए आर्म्स सप्लाई कौन कर रहा है, अगेंस्ट यूएसए कर रहा है जी। ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि ईरान उसकी बात नहीं मान रहा है, तो ईरान के अगेंस्ट खोला हुआ है, ईरान से उसको डर है, तो उसने इसराइल को तैयार कर दिया। अब ये तीनों फ्रंट पे सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर ऐसा है तो फिर रूस डायरेक्ट अमेरिका से क्यों नहीं निपट लेता है? अगर अमेरिका ही इतनी मदद कर रहा है, फ्यूलिंग कर रहा है, तो सीधे अमेरिका से निपट लेना चाहिए।